नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चिरांशा मल्होत्रा। हमारे खास कार्यक्रम धर्म दर्शन में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों को जोड़कर बना है, जिसमें पहला शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है। इसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि पर्व भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रखकर माँ की आराधना करते हैं। दर्शकों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का प्रावधान है, जिसमें से प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का है। इनके अन्य नाम माँ पार्वती, सती, हेमवती, भवानी व वर्षारूढ़ा है। ये हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, जिसमें शैल का अर्थ पर्वत होता है। कठोर तपस्या के पश्चात इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था, इसलिए इन्हें प्रथम दुर्गा के नाम से भी जाना गया है। आइए माँ शैलपुत्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा व इतिहास। अपने पूर्व जन्म में शैलपुत्री माँ सती के नाम से जन्मी थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा महादेव की पत्नी थी। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे तथा इसी कारण उन्होंने एक बार यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया। जब देवी सती बिना न्योते के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो वहां अपने पति के अपमान को सह न सकी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिवजी लंबी योग साधना में चले गए थे। अपने अगले जन्म में वे हिमालय पर्वत के घर पुत्री रूप में जन्मी तथा शैलपुत्री कहलाईं। अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने भगवान शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया था और माँ पार्वती के नाम से व्याख्यात हुई थी। तभी से उनकी पूजा करने का विधान शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माँ शैलपुत्री वर्षभ यानी बैल पर सवार होती हैं, इसीलिए उनका एक नाम वर्षारूढ़ा भी है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, जिससे वे पापियों को दंड देने का कार्य करती हैं। वे धर्म की रक्षा करती हैं। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है, जो ज्ञान व शक्ति का प्रतीक है। माँ श्वेत वस्त्रों को धारण किए रहती हैं तथा शांत स्वभाव में दिखाई देती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि कैसे की जानी चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले आप माता रानी के लिए एक चौकी स्थापित करें तथा उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें, फिर कलश को रखें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा किसी भी धातु या मिट्टी से बनी हो सकती है। कलश पर स्वास्तिक को अंकित करें तथा माँ शैलपुत्री का मंत्र पढ़ें। उसके बाद उनकी स्तुति के लिए स्तोत्र पाठ का जाप करें। दर्शकों, माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन उन्हें सफेद रंग के वस्त्र, मिठाई इत्यादि अर्पण करें। माँ के चरणों में गाय का देसी घी भी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको जीवन भर स्वस्थ रहने का आशीर्वाद माँ से मिलता रहे। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व क्या है। माँ शैलपुत्री को एक शिला के समान दृढ़ माना जाता है, जिसकी आराधना से मन को स्थित करने तथा इधर उधर भटकने से रोका जाता है। इस दिन उपासक अपना ध्यान मूलाधार अर्थात केंद्र बिंदु पर लगाते हैं, जिससे उनकी योग चेतना जागृत होती है।
ये योग साधना का प्रथम स्वरूप है जो मनुष्य को अपने अंदर झांकने तथा मंथन करने की ऊर्जा प्रदान करता है। तो दर्शकों, माँ शैलपुत्री आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं, इसीलिए उनका मंत्र किस प्रकार है आइए जानते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ां शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी।
वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरा वृषारूढ़ां शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको दिखाते हैं माँ शैलपुत्री का वे प्राचीन मंदिर जो काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन जैसा कि हम जानते हैं शैलपुत्री का माना जाता है। इस दिन उनके मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी तरह शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर आने मात्र से भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। ये शैलपुत्री का मंदिर घाटों के शहर कहे जाने वाले वाराणसी में है। यहाँ पर आपकी मुरादें होती हैं पूरी। जी हाँ, काशी के अलेपुर में माँ शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन इसके दर्शन से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। नवरात्रि में माँ के दर्शन से वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नवरात्र के पहले दिन भक्त माँ के दर्शन को इतने आतुर रहते हैं कि नवरात्र के एक दिन पहले से ही माँ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। सारी सारी रात
छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां जो गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी वाह